हेलो एवरीवन वेलकम इन एग्रविथ स्पार्क सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को जिसमें आपके थर्टी जो जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं वो रहने वाले हैं ठीक है उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए एंड साथ ही साथ हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हुए हैं अगर आपने अभी तक उनसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप फटाफट से ज्वाइन हो सकते हो आपका इंस्टाग्राम टेलीग्राम ठीक है सबके लिंक्स जहाँ पे पी डी एफ क्विजेज है ना पोस्ट डेली अपडेट्स ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है राइट सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय योर वॉट द क्रॉस पॉलिनेशन योर बीटल्स सो बीटल्स के थ्रू जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है इट मीन दैट आपको पता होगा कि कोई फ्लार है ठीक है तो यहाँ पर फ्लार पे जाते हैं ठीक है ठीके? तो वो कौन लेकर जाता है दीज आर कॉल दॉलीनेटिंग एजेंट ठीक है agent, जो पोल्स को वन फ्लार से दूसरे फ्लार तक लेके जाएंगे वो पॉलीटिंग एजेंट्स के लाएंगे. अब बीटल्स क्या है एक पॉलीटिंग एजेंट है ठीक है so, सो जब बीटल्स के थ्रू जो पॉलीनेशन जाते हैं ट्रांसफर ऑफ पोल फ्राम एंथर टू द स्टिगमा हो रहा है वो भी बीटल्स के थ्रू तो वो उसके लिए मतलब जो आप वर्ड यूज़ करोगे उस पॉलिनेशन को आप क्या बोलोगे दैट इज योर दैट इज़ कैंथ्रोफिली किस नाम से जानते हैं कैंथ्रोफिली के नाम से जानते हैं वहीं अगर विंड के थ्रू आपका पॉलिनेशन हो रहा है यानी हवा के चलते ही पोलेंस आपके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पहुंच रहे हैं सो उसको बोलेंगे एनिमो वहीं अगर मैं देखूं अगर आपका दैट इज़ योर इंसेक्ट के थ्रू पोलन जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे एंटोमोफिली राइट एंड नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज़ योर अगर आपका बर्ड्स के थ्रू जा रहा है ठीक है अगर जो बर्ड्स हैं वो पोल्स को लेकर जा रही हैं तो उसे क्या बोला जाता है और फिली वहीं अगर हम देखें एंड जो आपका एनिमल्स है ठीक है अगर एनिमल्स के थ्रू पोल्स जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है जू फिली और राइट सो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पॉलिनेटिंग के पॉलिनेशन के टाइप्स हो गए कि अगर एनिमल्स के थ्रू हो बर्ड्स के थ्रू हो इंसेक्ट्स के थ्रू हो तो आप उन्हें क्या नाम दोगे वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ बी कीपिंग जो आप बी कीपिंग करते हो जनरली है ना हनी बीज को रियर अप करते हो तो बी कीपिंग के लिए आपने रखा होता है तो उसकी डायरेक्शन आपने कहाँ कौन से डायरेक्शन में बी कीपिंग को लगाना होता है तो याद रखना दैट इज योर साउथ ईस्ट कौन से डायरेक्शन में लगाओगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने क्या लगानी होती है बी कीपिंग को लगाना होता है वही हम देखें जो ग्रीन हाउस है आपका अब जो ग्रीन हाउस है ग्रीन हाउस में जनरली क्या करते हो कंट्रोल्ड कंडीशन में जो आपके प्लांट्स हैं आप उन्हें जो है ग्रो कराते हो तो जब ग्रीन हाउस को आप लगा रहे होते हो तो कौन से डायरेक्शन में आपने ग्रीन हाउस लगाना होता है दैट इज योर नॉर्थ साउथ ठीक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपने क्या लगाना होता है ग्रीन हाउस को लगाना होता है नेक्स्ट अगर हम देखते हैं शेल्टर बेल्ट तो शेल्टर बेल्ट की डायरेक्शन आपने कौन सी रखनी होती है किस डायरेक्शन में जो आप शेल्टर बेल्ट है उनको लगाओगे दैट इज योर नॉर्थ वेस्ट ठीक है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपने क्या लगानी होती है शेल्टर बेल्ट को लगाना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो नर्सरी बेड्स है ठीक है नर्सरी बेड जो आप लगाते हो जिसमें आप जनरली क्रॉप्स ग्रो करते हो फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हो राइट सो बेसिकली नर्सरी बेड की डायरेक्शन कैसी रहेगी दैट इज योर ईस्ट वेस्ट ठीक है नर्सरी बेड की डायरेक्शन कैसे रखनी है आपने ईस्ट टू वेस्ट जो है उसकी डायरेक्शन रखनी चाहिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आपका टू मेजर टाइप्स ऑफ क्यूमिन सीड्स आर फाउंड इन द मार्केट अब जनरली क्या है मार्केट में दो तरीके के क्यूमिन के सीड्स आते हैं ठीक है क्यूमिन के जो सीड्स आते हैं वो दो तरीके के आते हैं वो कौन कौन से टाइप के हो गए तो याद रखना एक होता है ब्लैक क्यूमिन और एक होता है आपका व्हाइट क्यूमिन ठीक है दीज आर टू टाइप्स ऑफ क्यूमिन सीड्स विच आर फाउंड इन द मार्केट नेक्स्ट है द सीड रेट ऑफ क्यूमिन अब जो क्यूमिन है उसका सीड रेट कितना होता है ठीक है जीरे का सीड रेट कितना है दैट इज योर 12 टू 15 के जी पर हेक्टेयर ठीक है 12 से 15 के जी पर हेक्टेयर जो है आपके क्यूमिन का सीड रेट रहता है नेक्स्ट है विच स्टेट्स अकाउंट फॉर ओवर सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ टोटल क्यूमिन प्रोडक्शन यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जो जनरली सिक्सटी से सेवेंटी परसेंट क्या करता है क्यूमिन का प्रोडक्शन करता है क्यूमिन के प्रोडक्शन में यानी सबसे ज़्यादा सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट एक सिंगल स्टेट कर रहा है और वो कौन सा है दैट इज योर गुजरात ठीक है गुजरात इज रिस्पॉन्सिबल या गुजरात जो है आपका क्या करता है फॉर दी सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ योर टोटल क्यूमिन प्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं द आइडियल टाइम ऑफ सोइंग ऑफ क्यूमिन सीड जो सोइंग करनी है हमें क्यूमिन की ठीक so है सो बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा किस टाइम पे हम जो क्यूमिन है उसकी सोइंग करेंगे सो so याद रखना दैट इज योर नवंबर टू दिसंबर ठीक है नवंबर दिसंबर में जो हमारा क्यूमिन है हम उसकी सोइंग करते हैं नेक्स्ट है विच क्रॉप डजेंट स्टैंड हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल कौनसी क्रॉप जो है वो हाई ह्यूमिडिटी एंड मतलब जो हैवी रेनफॉल है उस टाइम पे स्टैंड नहीं करती है सो वो कौन सी क्रॉप है आपकी क्यूमिन अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी ठीक है जो आपकी है और रेनफॉल काफ़ी हैवी रहेगी तो क्यूमिन क्या हो जाती है जो है ख़राब हो जाती है या

नेम द फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग सो वो कौन है सीएम रिक ठीक है कौन है आपके सीएम रिक को जो है टोमेटो का टोमेटो ब्रीडिंग का फादर कहा जाता है नाउ कौन से शेल मतलब जब आप विच इज यूज फॉर शेलिंग दी पॉट्स इन ग्राउंडनट ग्राउंडनट में से पॉट्स वगैरह को शेल आउट करने के लिए आप किसका यूज करते हो याद रखना दैट दैट इज इज रखनाटिकेटर ठीक है डी जो आपका डीकॉर्टिकेटर है इसको आप या क्या यूज करते हो पॉट्स वगैरह को जो ग्राउंडनट है उसमें से करने के निकालने के काम में लेते हैं नेक्स्ट है जो आप स्काओ का वो बनाते हो स्लरी बनाते हो बायोगैस के लिए ठीक है आपने स्लरी बनाई उसमें आपने वाटर डाला एंड आपने क्या बनाना है दैट इज काउड ठीक है सो काव एंड स्लरी का जो रेशियो होगा ठीक है कावडंग एंड वाटर का आप रेशियो कितना रखोगे जब आप क्या बना रहे हो दैट इज योर स्लरी बना रहे हो बायोगैस प्लांट के लिए तो याद रखना फोर रेशियो फाइव ठीक है कितना रेशियो रखोगे चार रेशियो पांच जो है आप कितना रखते हो काव ड में स्लरी जो आप मेरे को मतलब चार रेशियो जब कावडंक एंड वाटर तो ये कावडंक हो गया और ये वाटर तो इस रेशो में आपने क्या मिलाना होता है उसकी स्लरी जो है इस रेशो में आपने उनको बनाना होता है नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जो डेमॉन्स्ट्रेशन विच इज कंडक्टेड बाय द रिसर्च वर्कर इन फार्मर्स फील्ड ठीक है जो डेमॉन्स्ट्रेशन जो, जो है आपके रिसर्च वर्कर करते हैं लेकिन कहाँ पे फार्मर्स की फील्ड में जो डेमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे दैट इज योर फ्रंट लाइन डेमांसट्रेशन ठीक है उसे किस नाम से जानते हैं फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है बस हाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो रिजल्ट है। डेमोन्ट्रेशन इज बेस्ड होता है दैट इज बिलीविंग ओके नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जो मैथड डेमोन्स्ट्रेशन है वो किस पे बेस्ड है आपका तो याद रखना लर्निंग बाय डूइंग ओके लर्निंग बाय डूइंग इस पर बेस्ड है आपके मेथड डेमांसट्रेशन पे बेस्ड है एंड सीइंग इज बिलीविंग आपका रिजल्ट डेमानस्ट्रेशन पे बेस्ड है नेक्स्ट है जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वन ए यू जो आपका है बेसिकली सो so इसको कितने किलोमीटर्स के अंदर बना गया है? मतलब वन ए यू का मतलब कितने किलोमीटर होता है तो याद रखना वन फिफ्टी मिलियन किलोमीटर ठीक है वन ए यू इज इक्वल्स टू वन फिफ्टी मिलियन किलोमीटर के उसे बोलते हैं नेक्स्ट है आपका जो सीड है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी कॉमन क्वेश्चन सीड क्या है सीड इज अ अच्योर ओव्यूल जो मेच्योर ओव्यूल है सिंपल सी डिफाइन अगर तुम्हें नहीं आ रही है तो सीड क्या है सीड इज इज अ ओव्यूल ओके नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 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 सिल्क सिल्क कैसे होते That is your homo homo होते दैट योर ठीक है जो वो कौन से हैं आपके सिल्क को बोला जाता है नेक्स्ट हम देखे जो क्रॉप लॉजिंग होती है क्रॉप लॉजिंग किसका मैथड है तो याद रखना प्लांट को न्यूट्रिय एनालिसिस करने का जो मेथड होता है उसको क्रॉप लॉजिंग बोलते हैं सो प्लांट एनालिसिस फॉर असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द क्रॉप फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन ठीक है so, क्रॉप प्रोडक्शन न्यूट्रिएंट का न्यूट्रिय मतलब न्यूट्रिएंट असाइन करने के लिए जो अगर आप देखोगे तो कौन सा मेथड में वर्क लेते हैं क्रॉप लॉजिंग लेते हैं नेक्स्ट अगर हम देखते हैं दैट इज योर विच क्रॉप्स आर जनरली इनकॉर्पोरेटेड दियर प्लांट टिश्यू इन फॉर इम्प्रूविंग दी सॉइल प्रोडक्टिविटी कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसे आप क्या करते हो सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हो ठीक है यानी सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हो किसके परपज़ से सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के पर्पज़ से तो वो कौन सी क्रॉप होती हैं बेसिकली आपकी याद रखना दीजा कॉलियर ग्रीन मेन्योर क्रॉप ठीक है वो कौन सी क्रॉप होंगी आपकी ग्रीन मेन्योर क्रॉप होती है जिन्हें आप क्या करते हो सॉइल के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट कर देते हो मिक्स कर देते हो और उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी उससे इंक्रीज़ होती है नेक्स्ट है जो टाइप ऑफ कॉटन विच इज हैविंग द हाईएस्ट फाइबर लेंथ कौन से कॉटन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपकी जो फाइबर लेंथ है वो होगी सो so याद रखना दैट इज योर गॉसिपियम बार्बरस ठीक है जो है बहुत सारे आपकी देखोगे आपने स्पीशीज आते हैं गॉक्सियम आर्बोरियम होगी हिरोसूटम होगी सो so उसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो आपका फाइबर लेंथ देखा जाता है वो गॉसिपियम बार्बेडेंस का होता है नेक्स्ट है द ऑरिजिन नंबर एंड ओरिजिन एंड क्रोमोजोम नंबर ऑफ योर रेड ग्राम सो रेड ग्राम का ओरिजिन एंड आपका क्रोमोजोम नंबर क्या है सो रेड ग्राम कहाँ से ओरिजिनेटेड हुई है फ्रॉम योर अफ्रीका ठीक है कहाँ से ओरिजिनेट हुई है अफ्रीका से एंड क्रोमोजोम नंबर कितना है ट्वेंटी टू है ओके नेक्स्ट हम देखते हैं द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ठीक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ये कहाँ पे लोकेटेड है मतलब जनरली कब इस्टिश हुआ था तो याद रखना कि आपका दैट इज इन द 1976 में ये क्या हुआ था आपका स्टैब्लिश हुआ था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं द स्टेरिडिलेशन इज अ मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड सो स्टेरिडिलेशन में बेसिकली क्या करते हैं स्टेरिडिलेशन एक मैथड है जिसमें आप क्या करते हो अपनी बॉडी में रब करते हो ठीक है रब इंसेक्ट क्या करते हैं अपनी बॉडी में बॉडी पार्ट्स को रब करते हैं ठीक है थीके? उससे क्या होती है साउंड प्रोड्यूस होती है ठीक है सो बेसिकली क्या होता है इट इज़ अ मैथड ऑफ़ प्रोड्यूसिंग साउंड बाय रबिंग दियर बॉडी पार्ट्स ठीक है अपने बॉडी पार्ट्स को यू you नो know, एक साथ रब करते हैं उस तरीके से फिर उससे क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होती है उसी को क्या बोलते हैं स्टारीडिलेशन बोला जाता है ये एक मैथड है साउंड को प्रोड्यूस करने का नाव द नेचुरल साइटो काइन इन जीएटेन वॉज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सो सबसे पहले जो नेचुरल साइटोकाइन दैट इज जीएटिन था वो कहाँ से कौन से प्लांट से मतलब एक्सट्रैक्ट हुआ था तो वो आपका मेज है ठीक है मेज के अंदर से सबसे पहले साइटोकाइनिन एक्सट्रैक्ट किया गया था ना जो बंगाल फेमाइन आया था ठीक है बंगाल फेमाइन किसकी वजह से कॉज हुआ था तो याद रखिएगा दैट इज़ हेलीमेंथोसफोरियम औरजई ठीक है बंगाल फेमाइन आया था हेलीमेंथोसफोरियम औरजई की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं जो बिगेस्ट ग्रेप वेरायटी है उसका क्या नाम है रेड ग्लोब ठीक है रेड ग्लोब जो है आपकी ये सबसे बिगेस्ट वेरायटी है किसकी ग्रेप्स की नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन दैट इज योर ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन हाई अमाउंट ठीक है सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सलेट्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो दैट इज योर लीफी वेजिटेबल्स ओके लीफी वेजिटेबल्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या रहता है आपका ऑक्सलेट्स प्रेजेंट रहते हैं ओके okay. सो so, ये थे आपके आज के क्वेश्चंस आई होप जितना आपको जितने भी सारे क्वेश्चंस रहे होंगे थर्टी क्वेश्चंस वो काफ़ी यूजफुल रहे होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ठीक है सो बेसिकली अगर आपके चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करो लाइक करो वीडियो को एंड जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ वीडियो को शेयर करो और राइट कमेंट्स करो एंड साथ ही साथ डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं चाहे वो इंस्टाग्राम हो टेलीग्राम हो ओके एंड आपका यूट्यूब के साथ आप हमारे वीडियोज़ को रेगुलरली देख सकते हैं जहाँ आपको डेली जो है इसी की की वीडियोस प्रोवाइड जाती है। ओके, सो स्टॉप करते हैं हमारे आज के सेशन को यहाँ पे ठीक है खत्म करते हैं साथ ही साथ जितने हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वहां पे कनेक्ट हो जाइए अगर आपने अभी तक जो है ज्वाइन नहीं किया है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे थैंक यू एवरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज योर एग्री विद स्पार्क